हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करते हैं हम जो अर्थवर्म और कॉकरोच है, जूलॉजी का जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा मुश्किल भी लगता है सभी को। इसीलिए इसके दोनों वीडियोस जो डिटेल्ड वीडियोस थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे या आए हुए हैं बन के, तो वो सारा हमने कवर किया है। तो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हो, आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी, आप वहाँ पर क्लिक करके तो आपको वो वीडियोज़ जो हैं वो शो हो जाएंगी, आप वहाँ से डिटेल में एक बार करके तो ये जो PYQ है उसमें से आए हुए आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म और जो कॉकरोच है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए फ्रॉग में से, तो एक आधे क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आया हुआ है, तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिलहाल हम फ्रॉग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं एक छोटी सी अलग वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगी, अदरवाइज़ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थवर्म और कॉकरोच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओपन वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, कि ओपन वास्कुलर सिस्टम किस में होता है। देखो, हमने पढ़ा है कि वास्कुलर सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ओपन, ठीक है, एक होता है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ओपन में क्या होता है, ब्लड वेजल्स की जगह कैविटीज में फ्लो करता है, जबकि क्लोज्ड में क्या होता है, वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब प्रेजेंट होती हैं ब्लड के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ओपन का पूछा है कि ओपन वास्कुलर सिस्टम किस में होता है, मैन में होता है, मैन में तो क्लोज होता है, फिश में होता है, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, एडवांस होती है, तो उसमें भी क्लोज होता है। ठीक है, कॉकरोच है कि स्नेक है, तो जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच इंसेक्ट आई यानी कि आर्थ्रोपोड में आते हैं, तो इनके अंदर ओपन वास्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड जो है वो हीमोसील में फ्लो करता है, जो कैविटीज होती हैं उसमें फ्लो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कॉकरोच में। ठीक है, इसके बाद आता है कि फेरिटिमा। देखो, अभी फेरिटिमा जो है, फेरिटिमा है क्या, मैंने आपको कहा था ना कि सीधा आपको जो कॉमन नेम देने की जगह आपको साइंटिफिक नेम दे के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आ गया ना फेरिटिमा इज, फेरिटिमा क्या है, फेरिटिमा देखो अभी है क्या, फेरिटिमा हम क्या बोलते हैं, इंडियन अर्थवर्म जो है उसको फेरिटिमा कहा जाता है। ठीक है, तो कहते जो फेरिटिमा है वो क्या है, अमोनोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, या कोई भी नहीं है। फेरिटिमा जो अर्थवर्म होता है वो वेस्ट एक्सक्रीट करता है यूरिया, ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक बोलेंगे। तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, यूरियोटैलिक। ठीक है, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट के तौर पे उसको अमोनोटैलिक बोलते हैं, जो यूरिक एसिड सीक्रीट करते हैं उसको यूरिकोटैलिक बोलते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। तो फेरिटिमा क्या है, यूरियोटैलिक है, ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ द आईज इन द आईज ऑफ इंसेक्ट इज, कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट अभी क्या है, हमने जो क्या बोलते हैं इसको, कॉकरोच, वो इंसेक्ट पढ़ा है, तो इंसेक्ट जो कॉकरोच था उसकी बेसिक यूनिट ऑफ आई क्या थी, बेसिक यूनिट क्या थी, रेटिना थी, रेबडम थी, कॉर्नियल फैसेट थे, या ओमेंटीडियम थी। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, ओमेंटीडियम। ठीक है, तो ओमेंटीडियम जो है हमने उसका बेसिक यूनिट ऑफ आई पढ़ा था। ठीक है, ओमेंटीडियम लेंस प्रेजेंट होते उसमें, है ना, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अर्थवॉर्म द सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन, के जो अर्थवॉर्म में सर्कुलर मसल्स कहाँ पर होती हैं, हमने पढ़ा था सर्कुलर मसल्स उसमें डेवलप होती है, कहते कौन से पार्ट में सर्कुलर मसल्स होती हैं, बॉडी वॉल में, गिजर्ड पार्ट में, फारेनिक्स पार्ट में, या टिफ्लोसोल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, गिजर्ड पार्ट में। ठीक है, गिजर्ड पार्ट में जहाँ पे फूड जो ग्राइंड होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, हाईली मस्कुलर होता है ये गिजर्ड पार्ट, बी ऑप्शन आएगी इसकी। ठीक है, देन आता है पोजीशन ऑफ स्पर्म थीका इन द अर्थवर्म इज इन द सेगमेंट, कि जो स्पर्म थीका होते हैं, ठीक है, अर्थवर्म में वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 5th, 6th, 7th, 8th, 7th, 8th, 9th, 10th, और जो 4th, 5th, 6th, 7th में होते हैं। तो हमने पढ़ा है 6th, 7th, 8th, 9th में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म थीका अर्थवर्म के अंदर, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ का हमारा आंसर है, फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विज़न ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच की विज़न कैसी है, बायनोकुलर है, ठीक है, मोज़ेक है, मोनोकुलर है, और स्टीरियोस्कोपिक है, कौन सी होती है। तो हमने क्या पढ़ा है, कॉकरोच की विज़न कैसी होती है, मोज़ेक होती है, उसमें कई सारे लेंसेज होते हैं, ओमेटीडियल्स प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं ना, उसकी वजह से उसकी क्या है, विज़न क्या है, मोज़ेक विज़न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आनी है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट
विजुअल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ एन इंसेक्ट इज, कि जो विजुअल यूनिट होता है कंपाउंड आईज का, विजुअल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओमेटीडियम, रोड और कोन सेल्स, रेटिना के कॉर्निया। तो कॉर्निया, रेटिना, रोड सेल्स, कोन सेल्स तो हमारे अंदर होते हैं ना, तो कॉकरोच होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर कौन सा विजुअल यूनिट होता है, ओमेटीडियम। ठीक है, तो अगर आपने इसकी वीडियोज देखी हुई हैं तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर चेक कर सकते हो या प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हो, आपको वो मिल जाएंगी। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ स्पर्म थीका इन अर्थ वॉर्म इन विच ऑफ द सेगमेंट। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार कर लेते हैं फिर से कि स्पर्म थीका अर्थ वॉर्म में कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 6, 7, 8, 9th, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 और 4, 5, 6, 7th। तो जो सेगमेंट होता है 6, 7, 8, 9th, ठीक है, तो वहाँ पर स्पर्म थीका प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन आनी ऑप्शन ए, इन अर्थवॉर्म सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन, फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि अर्थवॉर्म में जो मसल्स होती हैं सर्कुलर मसल्स वो कहाँ पे हाईली डेवलप होते हैं, बॉडी वॉल में, गिजर्ड में, फाइनेक्स में, के टिफ्लोसॉल में, फिर से आया गिजर्ड, ठीक है, गिजर्ड पार्ट में, 8th 9th सेगमेंट में, गिजर्ड पार्ट जो होता है वहाँ पे फूड की वो क्रशिंग वगैरह होती है, ग्राइंडिंग होती है, तो वहाँ पे ये सर्कुलर मसल्स ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म आर हर्मेफ्रोडाइट एंड रिप्रोड्यूस प्राइमली बाय, कहते हैं अर्थवॉर्म जो होते हैं वो तो हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब मेल फीमेल एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म में होता है कि अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिफरेंशिएट नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है इनमें कोई, है ना, अलग अलग नहीं है, कहने का मतलब अलग अलग बॉडी नहीं है। तो फिर भी ये कहते हैं रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, प्राइमली ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू, एसेक्सुअली करेंगे, क्या हर तरह से कर सकते हैं। तो देखो ये हर्मेफ्रोडाइट ज़रूर हैं, तो अपने स्पर्म को अपने ही ओवम में मतलब छोड़ सकते हैं, पर ऐसा करते नहीं है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते ये। हमने पढ़ा था कि जो दो मतलब अर्थवॉर्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने स्पर्म वगैरह जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेरिएशन इनमें चाहिए, वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन होने के लिए ही इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। तो प्राइमली ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थवॉर्म सीटी आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट, कि मैंने जब भी किया था ना ये टॉपिक तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अर्थवॉर्म में सीटी जो एस शेप इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हर एक सेगमेंट में वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ना सीटी। तो कहते हैं सीटी कहाँ प्रेजेंट है, हर एक सेगमेंट में तो प्रेजेंट है, वो कौन से सेगमेंट को छोड़ के हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था कि 100 to 150 या 200 के आसपास इसके सेगमेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि अर्थवॉर्म की लेंथ कितनी है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके सेगमेंट हो सकते हैं, वेरी करते हैं। तो जितने भी सेगमेंट होंगे सभी सेगमेंट्स जो हैं उनमें सीटें होते हैं, बस कोई दो तीन होते हैं जिनमें नहीं होते। तो वो कौन से हैं, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के, मतलब प्रोस्टोमियम, ठीक है, क्लिटलम जो बीच वाला होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए आगे मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की पूरी प्रोसेस होती है, क्लिटलम और लास्ट सेगमेंट, यहाँ पे नहीं होते हैं, बाकी पूरे के पूरे अर्थवॉर्म में इस तरह से सेगमेंट होते हैं। माउथ के पास वाला जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वहाँ पे, लास्ट सेगमेंट में नहीं होते, लास्ट के 25 के आसपास जो सेगमेंट है वहाँ पे सीटें नहीं होते हैं, ठीक है। बीच वाला जो क्लिटलम पार्ट होता है वहाँ पे नहीं होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आएगी, फर्स्ट क्लिटलम और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के बाकी सभी में सेगमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच, कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, क्या फीचर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है, मेल कॉकरोच को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो बताना है हमें, मतलब मेल को फोकस करना है हमें। तो जो बोट शेप स्टर्नम है ये तो हमने फीमेल के अंदर पढ़ा है ना। फिर है कि फोर विंग्स विद द डार्कर टैगमिना, कि जो फोर विंग्स होते हैं बड़े विंग्स होते हैं उसमें टैगमिना जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, या प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल्स या प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई। देखो एनल सर्काई भी दोनों में होते हैं, विंग दोनों में डार्क होते हैं, ठीक है। 9th जो होता है ये फीमेल में है, बट मेल का उन्होंने फोकस करने के लिए कहा है। तो हमारी जो है ऑप्शन हमारी बनती है ऑप्शन सी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल। हमने पढ़ा था ना कि मेल में कॉडल स्टाइल होते हैं, एनल स्टाइल जिसको बोलते हैं, जबकि फीमेल में वो नहीं होता है 9th सेगमेंट में, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब जितने भी थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो जूलॉजी का पार्ट है अलग से है, कॉमन टॉपिक नहीं है, तो इसमें थोड़े कम ही लग रहे हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो 10-11 क्वेश्चन, 12 के आसपास तो क्वेश्चन बन ही गए इसमें से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, बड़ी मुश्किल से एक इसको 50 या 60 मिनट बड़ी मुश्किल से लगेंगे, घंटे से कम का ही टाइम लगेगा तीनों टॉपिक खत्म करने में, पी वाई क्यू, अर्थवॉर्म और ये कॉकरोच, ठीक है। तो
अभी इसको कर ज़रूर लेना आप लोग। बाकी के हम PYQ और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो करने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियोस में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन आप प्रेस कर लो। तो बाकी के करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।